जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज हम भूगोल प्रैक्टिकल के लिखित पेपर पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है, भी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच भूगोल प्रैक्टिकल के जो एग्जाम हैं वो बोर्ड द्वारा होने हैं। और भूगोल प्रैक्टिकल में आपके टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें से पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है। इस बार क्षेत्रीय अध्ययन की जो फाइल है वो आपको नहीं बनानी है, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। और कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे, सर प्रैक्टिकल का एग्जाम कहाँ होगा? प्रैक्टिकल का एग्जाम रेगुलर स्टूडेंट का उनके अपने स्कूल में ही होगा, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनका अपने जो नोडल स्कूल होता है, जहां उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, संभवतः वहीं पर उनकी प्रैक्टिकल की परीक्षा है वो होगी। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं, भी आपका जो प्रैक्टिकल का जो पेपर होना है उसके 2 भाग होते हैं। एक लिखित पेपर होगा 15 अंक का, और दूसरा एक प्लेन टेबल सर्वे का होना है, वो 6 नंबर का। तो 15 और 6 जोड़ते हैं तो टोटल 30 नहीं होते, उसमें से 9 अंक बच जाते हैं। तो आपको मैं ये बता चुका हूं, 9 नंबर हैं वो आपके रिकॉर्ड के हैं, जो यानी आपकी जो प्रैक्टिकल वाली बुक है उसके पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, तो आपको पहले, तीसरे, चौथे और पांचवें चैप्टर के पीछे वाले प्रश्नों को वहां हल करना है, और ब्लैक पेन से हल करना है। और अगर आपका उत्तर बड़ा है, जगह कम है, तो आप व्हाइट पेज पर या लाइनदार पेज पर लिख के आप वहां पर चस्पा भी कर सकते हो। तो ये बातें तो अपनी पूर्व में हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया, भी इस प्रकार से आपके प्रैक्टिकल की बातें हैं। अब हम जो आपका लिखित पेपर जो 15 अंक का होना है, पहले ये 12 अंक का होता था, लेकिन कोरोना की वजह से जो सिलेबस में आपकी जो यूनिट कम कर दी है, जो 2 चैप्टर आपके कम कर दिए, उनकी वजह से ये पेपर है अब 12 की बजाय 15 अंक का होगा। और बोर्ड ने अपना जो संशोधित सिलेबस जारी किया था उसमें यह बताया था, जो लिखित पेपर है वो 2.5 घंटे का होगा, और प्लेन टेबल सर्वे का है वो 1.5 घंटे का टाइमिंग है वो रहेगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये अटपटा सा भी लगा था, तो मैंने बोर्ड को फोन भी किया था इसी मैटर को लेकर, तो कोई क्लियर कट तो नहीं हो पाया। तो हो सकता है वो पूर्व की भांति पहले वाला ही हो जाए, भी लिखित पेपर आपका 1.5 घंटे का और प्लेन टेबल सर्वे का करे है वो 2.5 घंटे का हो जाए। लेकिन वो चीजें तो अब जब बोर्ड का मॉडल पेपर आएगा प्रैक्टिकल वाला, मार्च के लास्ट या 1-2 अप्रैल तक है वो जारी हो जाएंगे, टीचर्स के पास पहुंच जाते हैं, तभी अपने को फाइनली क्लियर हो पाएगा। चलिए, फिर भी आप किसी प्रकार की कोई बर्डन नहीं रखते हुए, आपको मैं ये बता रहा हूं जो 15 अंक का बोर्ड का जो लिखित पेपर होना है उसका तरीका क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। आपका पेपर चाहे 2.5 घंटे का हो, चाहे 1.5 घंटे का हो, आज के इस जो नमूना प्रश्न पत्र में आपके सामने एक संभावित मॉडल पेपर जो आपके सामने रख रहा हूं, आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। यानी इस पेपर में जो मैं 5 प्रश्नों की बात कर रहा हूं, आपको 5ों प्रश्न हैं वो तैयार करने हैं। अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो कुछ इतना ही होगा, बस प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी, 5 की जगह 7 प्रश्न हो सकते हैं या 8 प्रश्न हो सकते हैं, उसमें 3 नहीं करके 5 करने हो सकते हैं, और कोई बड़ा उल्ट फेर है वो नहीं होगा। तो आप बिना किसी पूर्वाग्रह के आपको सिर्फ और सिर्फ इस पेपर को फॉलो करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है, और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी है वो करनी है। तो देखिएगा, ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 2021 की बात, नमूना प्रश्न पत्र एक मॉडल, संभावित जो मॉडल पेपर हो सकता है उसकी बात, पूर्णांक है वो 15 अंक होगा, और समय है, मैं अभी यहां 1.5 घंटे लेकर ही चल रहा हूं, और कुल 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न है वो 5 अंक का होगा, और अगर संख्या बढ़ जाएगी तो यहां 5 करवा लेगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का हो जाएगा, और ज्यादा चेंज नहीं होना है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपको किस तरीके का मिलेगा इस बार प्रैक्टिकल के पेपर में। देखिएगा, एक प्रश्न है, सुरेश के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक निम्नानुसार है, इन्हें एक सरल दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। फिर ये आंकड़े दिए हैं, विषय और प्राप्तांक, विषय भूगोल में 40 प्राप्तांक है, इतिहास में 45,
अर्थशास्त्र में 25, हिंदी में 30 और अंग्रेजी में 35। तो इन आंकड़ों की सहायता से सुरेश के जो विभिन्न विषयों में प्राप्तांक है उनका एक सरल दंड आरेख बनाना है। इसके अथवा में एक प्रश्न और है भी, अगर आप सरल दंड आरेख का प्रश्न पेपर में नहीं करना चाहते तो इसके अथवा में एक प्रश्न और है, आप वो कर सकते हो, यानी दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। प्रश्न है अथवा में, कक्षा 12 कला वर्ग के छात्रों द्वारा पसंद किए जाने वाले खेलों का ब्यौरा निम्नानुसार है, इन्हें एक वृत्त आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसमें खेल और छात्र संख्या बताई है, खो खो में 5, कबड्डी में 6, फुटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 8 और क्रिकेट में 10 छात्र हैं वो भाग लेते हैं। तो इस आंकड़ों के आधार पर आपको वृत्त आरेख बनाना है। तो ये आपकी इच्छा रहेगी, आप सरल दंड आरेख बनाएं या वृत्त आरेख बनाएं। कहने का मतलब ये है कि पहले प्रश्न में उम्मीद यही रहेगी भी, दो प्रश्न आएंगे उनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना है। एक बार फिर कह दूं, माध्यमादिका बहुलक वाला जो चैप्टर है वो अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। और हाथ जोड़कर निवेदन है भी, कुछ साथी अभी नहीं मान रहे, मैं कहना चाहूंगा आप इस पैटर्न को बोर्ड की साइट के ऊपर जो सिलेबस दिया गया है उसको अच्छे से देख लें, उसमें क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। अगर आपको इस चैनल पर बताई गई बातें हैं वो ज्यादा विश्वसनीय नहीं लगती तो आप बोर्ड की साइट पर जाकर उस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। तो ये तो हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के आधारभूत तत्वों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि समपटल सर्वेक्षण में प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों की सूची बनाइए तथा प्रत्येक का सर्वेक्षण प्रक्रिया में उपयोग लिखिए। चौथा प्रश्न है, दूर संवेदन किसे कहते हैं, दूर संवेदन के लाभ लिखिए। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से जो भी दो आपको अच्छी लगे उसके बारे में लिख सकते हो। पहला है इसके अंदर वर्ण मात्री मानचित्र, दूसरा है स्प्रिट लेवल, तीसरा है भारत में दूर संवेदन कार्यक्रम और चौथा है यातायात परिमाण मानारेख। तो इन 4 में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है। तो यानी आपका जो ग्रुप बनेंगे बच्चों, आपको मैं बताना चाहूंगा, आप स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए जाएंगे बोर्ड के आदेशानुसार, क्योंकि कोरोना काल में उसमें भी हो सकता है कुछ उलटफेर हो जाए। तो संख्यात्मक रूप से आपके स्कूल की कितनी संख्या है उसके हिसाब से आपके ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप जब लिखित पेपर करेगा तब दूसरा ग्रुप है वो समपटल सर्वेक्षण का कार्य करेगा और सब ग्रुप का अपना अपना पेपर होगा। एक ग्रुप में जितने भी बच्चे होंगे उनका पेपर, लिखित पेपर है वो एक ही जैसा होगा। जब दूसरा ग्रुप लिखित पेपर में आएगा तो उसके लिए दूसरा पेपर टीचर तैयार करेंगे। तो यानी इसी पैटर्न के इर्द गिर्द है वो सारी चीजें रहेगी। तो यानी कुल मिलाकर अगर आप ये समझेंगे तो ये 5 प्रश्न तो अब आप अच्छे से तैयार कर ही लीजिएगा। हो सकता है ये सेम पेपर आपको मिल जाए या इनमें से कुछ प्रश्न आपके मॉडल पेपर के, जो आपको फाइनल पेपर जो दिया जाएगा उसमें ये प्रश्न मिल जाए। तो आज मैंने ये एक मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और आगे समय के साथ साथ मैं आपको और मॉडल पेपर है वो भी उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो जाए भी। हाँ, मुझे इस तरीके से प्रश्न मिलेंगे बोर्ड प्रैक्टिकल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, और इस प्रकार से मुझे लिखना है। और आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन करनी है, कॉपी आपको किस प्रकार की मिलेगी, उसमें कहां पर प्रश्न है पत्र है यानी पेपर उतारना है, कहां उत्तर लिखना है, किस प्रकार से समपटल सर्वेक्षण का कार्य करना है, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो ये तो हुआ 15 अंक का आपका मॉडल पेपर। इस पैटर्न को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और यहां आपको अभी यही करना है कि ये 5 प्रश्न है जो अथवा वाला है वो भी तैयार है, वो आपको करना है। और जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वाला है वो बता दिया, आपकी वर्कबुक अच्छे से भरी हुई होनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स के पास वो नहीं है, जिन स्कूल्स को नहीं मिला उनको भी मैंने बता दिया, आप एक फाइल बना लें, यानी पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको साफ साफ एक फाइल ले लें बाजार से और उसके अंदर प्रश्न उत्तर उतार लीजिएगा,
वो भी मान्य रहेगी इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल की किताब है, बुक है, वो किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाई, ऐसी समस्या बहुत से स्कूलों में सुनने को आई है। और या आप फोटोकॉपी करवा सकते हो, जो पीछे प्रश्न दिए हैं, 4 चैप्टर के प्रश्न हैं, उनकी आप फोटोकॉपी करवा के उसमें लिख लें, या आप फोटोकॉपी भी मत करवाओ, आप प्रश्न और उनके आंसर लिख लो। उम्मीद करता हूं कोई एक कॉपी तो आपको कहीं से मिल ही जाएगी, प्रैक्टिकल की बुक मिल जाएगी, तो उससे आपको हेल्प है वो हो जाएगी, वरना पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हर टीचर के पास ये मिल जाएगी। तो आप अपने हाथ से साफ साफ लिख कर वो फाइल बना लीजिएगा, क्योंकि वो 9 नंबर का काम है, 6 नंबर की फाइल का हो गया और 3 नंबर है वो उस पर आधारित आपकी मौखिक परीक्षा है वो ली जाएगी। लिखित पेपर 15 अंक का हो गया, प्लेन टेबल सर्वे वाला है वो 6 अंक का है, जिसमें 4 नंबर आपको उस जो आपको शीट मिलेगी उसके ऊपर काम करना है। और जब आप वहां काम कर रहे होंगे, तब जो बाहर से आपके एग्जामिनर आए हैं, तब वहीं आपको उससे संबंधित कुछ प्रश्न है वो पूछ लेंगे, जो 2 नंबर का रहेगा। तो यानी टीचर आपसे बात करेंगे, कुल मिला के आप ये समझिए, बाहर से जो टीचर आपके स्कूल में आएगा वो आपसे बात करेगा, आप उससे घबराए नहीं, क्या पता मुझसे क्या पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, गोली नहीं मारेंगे आपके, एक सामान्य चर्चा आपसे बातें करेंगे भी, आपने प्रैक्टिकल कैसे किया, क्या है। तो आगे चल के हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे भी, किस प्रकार के प्रश्न है वो आपके मौखिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा, पहले भी कहा, आपको प्रैक्टिकल का बर्डन नहीं लेना है। बहुत से बच्चे बर्डन ले रहे हैं इसको, हाँ ये कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, इसी वे में रहिए। लिखित पर लिखित जो परीक्षा आपकी है, सैद्धांतिक परीक्षा जो है, उसको आप अच्छे से कवर करते जाएं, और थोड़ा थोड़ा टाइम आप प्रैक्टिकल को भी है वो थोड़ा थोड़ा आप चाहे स्कूल में दें या स्कूल से आने के बाद घर पे आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हो। बस मैं एक ही सलाह दूंगा, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाने का 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, एक ही तरीका है, बर्डन कम से कम ले, कोशिश करें भी न ही ले। लेकिन फिर भी मेरे कहने कहना शायद आसान लगेगा, सर ऐसा थोड़ी होता है, हो ही जाता है। तो अब हो ही जाता है तो फिर थोड़ी बहुत ले लो टेंशन, उससे अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो। इजी वे में इस पैटर्न को आपको अच्छे से समझना है और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे और मेरे भूगोल विषय के सभी साथी हैं वो इस नमूने प्रश्न पत्र से लाभान्वित होंगे और इसके अकॉर्डिंग है वो अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखेंगे। आगे चल के हम फिर और मॉडल पेपर पर भी बात करेंगे, मैं आपको काफी सारे पेपर हैं वो बनाकर अपने इस चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। बस आपकी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी दूंगा भी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचा दें जिनको जरूरत है, उन साथियों तक पहुंचा दें जहां इनको जरूरत है। आपने लाभ लिया, अच्छी बात है, अगर आपको लगता है भी ये लाभप्रद नहीं है तब मैं आपको नहीं कहूंगा भी आप किसी और को भेजें, आपको लगता है ये चीज लाभप्रद है तो आपको दूसरे साथियों की भी हेल्प है वो करनी चाहिए। मेरा प्रयास यही है भी मैं आपके कुछ काम आ सकूं। उम्मीद करता हूं आप लाभान्वित हो रहे होंगे, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।